यस्टरडे वी डन क्वेश्चन नंबर 8 ऑफ एक्सरसाइज 4C चैप्टर 4 मेंसुरेशन पेरीमीटर एंड एरिया. नाउ टुडे वी स्टार्ट नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 9. नाउ वी सी क्वेश्चन नंबर 9. अ टेबल टॉप मेजर 3 मीटर बाय 1 मीटर 50 सेंटीमीटर. फाइंड इट्स एरिया इन स्क्वायर मीटर. बेटा मुझे इसका एरिया फाइंड आउट करना है टेबल टॉप का, जिसकी लेंथ गिवन है बेटा मुझे 3 मीटर और ब्रेथ गिवन है 1 मीटर 50 सेंटीमीटर. इज दैट क्लियर ऑल द स्टूडेंट? अब बेटा मैं इसका सॉल्यूशन करना स्टार्ट करूँगी. तो बेटा जो लेंथ गिवन है वो कितनी है हमारी 3 मीटर है, ब्रेथ गिवन है वो कितनी है बेटा 1 मीटर 50 सेंटीमीटर. अब बेटा उसने क्या बोला है मुझे स्क्वायर मीटर्स में इसका एरिया फाइंड आउट करना है. इज दैट क्लियर ऑल द स्टूडेंट? तो बेटा वी नो दैट 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है. इज दैट क्लियर ऑल द स्टूडेंट? तो बेटा 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1/100 मीटर होगा. इज दैट क्लियर ऑल द स्टूडेंट? तो बेटा मैं यहाँ पे क्या करूँगी, 1/100 से मल्टीप्लाई कर दूँगी जो सेंटीमीटर गिवन है उसमें. इज दैट क्लियर ऑल द स्टूडेंट? तो बेटा मेरे यहाँ पे क्या आ जाएगा, 50 × 1/100 मीटर. इज दैट क्लियर ऑल द स्टूडेंट? तो बेटा 1 मीटर प्लस, बेटा जब मैं 50 की मल्टीप्लाई 1 से करूँगी तो क्या आएगा 50 और अपॉन में 100 एज इट इज आ जाएगा. इज दैट क्लियर ऑल द स्टूडेंट? तो बेटा मेरा ये क्या आ गया, 50 upon 100 meter आ गया. बेटा एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कर दूंगी. इज दैट क्लियर ऑल द स्टूडेंट? तो अब बेटा मेरा यहाँ पे क्या आ गया, 1 meter plus 5/10 meter. इज दैट क्लियर ऑल द स्टूडेंट? अब बेटा मैं 10 से क्या करूँगी, 5 को डिवाइड कर दूंगी. इज दैट क्लियर ऑल द स्टूडेंट? अब बेटा मेरा 10 बड़ा है, 5 छोटा है, तो मीन्स कि 10 से 5 डिविजिबल नहीं है. तो बेटा हम क्या लगाएंगे, यहाँ पे पॉइंट लगा लेंगे, फिर यहाँ पे हम जीरो राइट कर देंगे. बेटा 10 5 जो क्या आएगा हमारा 50 आ जाएगा. इज दैट क्लियर ऑल द स्टूडेंट? तो बेटा जब मैंने 5 को डिवाइड करा 10 से तो मेरा क्या आ गया, 0.5 मीटर आ गया. इज दैट क्लियर ऑल द स्टूडेंट? अब बेटा मैं 1 में क्या करूँगी, 0.5 को ऐड कर दूंगी. इज दैट क्लियर ऑल द स्टूडेंट? अब बेटा मैं यहाँ पे क्या करूँगी, 1 मीटर में 0.5 मीटर ऐड करूँगी. इज दैट क्लियर ऑल द स्टूडेंट? तो बेटा 1 एज इट इज़ मैंने राइट करा. अब यहाँ पे मैं क्या लगाऊंगी बेटा, पॉइंट, देन राइट करूँगी मैं 5. इज दैट क्लियर ऑल द स्टूडेंट? तो बेटा 1 के बाद हम पॉइंट पुट कर सकते हैं और 0 राइट कर सकते हैं. इज दैट क्लियर ऑल द स्टूडेंट? तो बेटा जब 0 में 5 ऐड करूँगी तो क्या आएगा, 5 आएगा. पॉइंट एज इट इज़ आ गया बेटा. और बेटा 1 के साथ कोई नंबर तो नहीं ऐड करने के लिए, तो मेरा 1 एज इट इज़ आ जाएगा. तो बेटा मेरा आंसर क्या आया, 1.5 मीटर. इज दैट क्लियर ऑल द स्टूडेंट? अब बेटा मुझे इसका एरिया फाइंड आउट करना था. अब बेटा मुझे यहाँ पे क्या करना है, इसका एरिया फाइंड आउट करना है. इज दैट क्लियर ऑल द स्टूडेंट? तो बेटा एरिया फाइंड आउट करेंगे हम टेबल टॉप का. तो बेटा जो टेबल का टॉप है वो किस शेप में होगा, रेक्टेंगल शेप में होगा. इज दैट क्लियर ऑल द स्टूडेंट? तो बेटा एरिया का होगा हमारा लेंथ इंटू ब्रेथ होगा. इज दैट क्लियर ऑल द स्टूडेंट? तो बेटा लेंथ कितनी दे रखी है मुझे, 3 मीटर, और बेटा मेरी ब्रेथ कितनी आई है, 1.5 मीटर. इज दैट क्लियर ऑल द स्टूडेंट? अब बेटा मैंने यहाँ पे क्या करा, इसका पॉइंट रिमूव कर दिया और बेटा डिनोमिनेटर में 1 के आगे 1 0 लगा दी, क्योंकि आफ्टर पॉइंट बेटा कितनी डिजिट थी, 1 डिजिट थी, इसलिए मैंने 1 0 लगाई है. इज दैट क्लियर ऑल द स्टूडेंट? अब बेटा मैं 3 की मल्टीप्लाई 15 से करूँगी तो क्या आएगा, 45, और 45 अपॉन में 10 है. इज दैट क्लियर ऑल द स्टूडेंट? अब बेटा मैं 10 से क्या करूँगी, 45 को डिवाइड कर दूँगी. इज दैट क्लियर ऑल द स्टूडेंट? तो बेटा 10 4 जो क्या होता है हमारा, 40 होता है. इज दैट क्लियर ऑल द स्टूडेंट? अब बेटा मेरा 5 डिविजिबल नहीं है 10 से, क्योंकि बेटा 5 लेसर देन है 10 से, तो मैं यहाँ पे पॉइंट पुट कर दूँगी फिर 0 राइट कर दूँगी. तो बेटा 10 5 जो क्या आएगा हमारा, 50 आ गया. इज दैट क्लियर ऑल द स्टूडेंट? तो बेटा जो मेरा एरिया आया वो कितना आ गया, 4.5 मीटर स्क्वायर. इज दैट क्लियर ऑल द स्टूडेंट? नाउ वी सी नेक्स्ट क्वेश्चन. अब बेटा हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, उसके क्या कहा मैंने, अ रूम हैज़ रेक्टेंगुलर फ्लोर ऑफ साइज 300 मीटर बाय 200 मीटर. बेटा एक रेक्टेंगुलर फ्लोर है जिसकी लेंथ कितनी है हमारी, 300 मीटर है, ब्रेथ कितनी है 200 मीटर है. इज दैट क्लियर ऑल द स्टूडेंट? अ स्क्वायर कारपेट ऑफ साइड 180 मीटर इज लेड इन द रूम. बेटा जो एक स्क्वायर कारपेट है उसे हम क्या कहते हैं, रूम में स्प्रेड कर देते हैं, मतलब बिछा देते हैं. इज दैट क्लियर ऑल द स्टूडेंट? फाइंड द एरिया ऑफ फ्लोर विच इज नॉट कारपेटेड. अब बेटा मुझे वो एरिया फाइंड आउट करना है रूम का जहाँ पर कारपेट स्प्रेड नहीं हो पाई है. इज दैट क्लियर ऑल द स्टूडेंट? नाउ वी स्टार्ट सॉल्यूशन. अब बेटा इसका
सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे. लेंथ ऑफ द फ्लोर इक्वल टू 300 मीटर, ब्रेथ ऑफ द फ्लोर इक्वल टू 200 मीटर. इज इट क्लियर स्टूडेंट? टोटल एरिया ऑफ द फ्लोर इक्वल टू 300 मीटर मल्टीप्लाई बाय 200 मीटर. इज इट क्लियर स्टूडेंट? अब बेटा जब हम 300 की मल्टीप्लाई 200 से करेंगे तो बेटा क्या आएगा, 60,000 मीटर स्क्वायर. इज इट क्लियर स्टूडेंट? अब बेटा हम यहाँ पे क्या करेंगे, एरिया फाइंड आउट करेंगे कारपेट का. कारपेट कैसी थी बेटा, स्क्वायर थी. एरिया ऑफ स्क्वायर कारपेट इक्वल टू, साइड इन टू साइड होता है तो बेटा 180 मीटर की मल्टीप्लाई 180 से करेंगे तो बेटा आंसर क्या आएगा हमारा, 32,400 मीटर स्क्वायर. इज इट क्लियर स्टूडेंट? सो 32,400 मीटर स्क्वायर ऑफ द फ्लोर इज कवर्ड विथ कारपेट. बेटा इतना एरिया क्या हुआ, कारपेट से कवर हो जाएगा. अब बेटा हमें वो एरिया फाइंड आउट करना था जो कारपेट से कवर नहीं होगा. सो एरिया ऑफ द फ्लोर दैट इज नॉट कारपेटेड, तो बेटा मैं 60,000 में से माइनस करूंगी 32,400. इज इट क्लियर स्टूडेंट? तो बेटा मेरा आंसर क्या आएगा, 27,600 मीटर स्क्वायर. इज इट क्लियर स्टूडेंट? नाउ वी सी नेक्स्ट क्वेश्चन. अब बेटा हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. उससे क्या होगा, अ टाइल इज अ स्क्वायर ऑफ साइड 20 सेंटीमीटर. बेटा मुझे यहाँ पे एक स्क्वायर टाइल गिवन है जिसकी साइड कितनी है, 20 सेंटीमीटर. हाउ मैनी सच टाइल्स वुड वी रिक्वायर्ड टू कवर द फ्लोर ऑफ अ स्क्वायर बाथरूम ऑफ साइड 3 मीटर. बेटा मुझे यहाँ पे ये पता लगाना है कितनी टाइल्स की रिक्वायरमेंट होगी मुझे एक स्क्वायर बाथरूम के फ्लोर को कवर करना है जिसकी साइड कितनी है बेटा, 3 मीटर. इज इट क्लियर स्टूडेंट? अब बेटा मैं यहाँ पे क्या करूँगी, एरिया ऑफ वन टाइल फाइंड आउट करूँगी. इज इट क्लियर स्टूडेंट? तो बेटा एरिया ऑफ वन टाइल इक्वल टू 20 सेंटीमीटर स्क्वायर. 20 सेंटीमीटर का क्या कर दूँगी, स्क्वायर कर दूँगी. इज इट क्लियर स्टूडेंट? तो बेटा 20 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 20 सेंटीमीटर. अब बेटा यहाँ पे मैं क्या करूँगी, 20 की मल्टीप्लाई 20 से करूँगी. इज इट क्लियर स्टूडेंट? अब बेटा जब मैंने 0 की मल्टीप्लाई 0 से करी तो 0 आ गया, 0 की मल्टीप्लाई 2 से करी तो 0 आ गया. अब बेटा मुझे अपने सेकेंड नंबर से मल्टीप्लाई करनी है तो मैं अपने 1 डिजिट के नंबर के नीचे क्या लगाऊँगी, क्रॉस लगा दूँगी. फिर बेटा मैं यहाँ पे सेकेंड नंबर से मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करूँगी तो बेटा 2 की मल्टीप्लाई 0 से करूँगी तो 0 आ गया, 2 की मल्टीप्लाई 2 से करूँगी तो 4 आ गया. इज इट क्लियर स्टूडेंट? अब बेटा मैं इन्हें ऐड करना स्टार्ट कर दूँगी. बेटा देखो 0 के नीचे कोई नंबर नहीं है तो 0 एज इट इज़ आ जाएगा, 0 में 0 प्लस करूँगी तो 0 आ जाएगा, और बेटा 4 के साथ कोई नंबर ऐड करने के लिए नहीं है तो बेटा क्या आएगा, 4 आ जाएगा. इज इट क्लियर स्टूडेंट? जब बेटा मैंने 20 की मल्टीप्लाई 20 से करी तो मेरा क्या आ गया, 400 सेंटीमीटर का स्क्वायर आ गया. इज इट क्लियर स्टूडेंट? अब बेटा मैं यहाँ पे फाइंड आउट करूँगी एरिया ऑफ स्क्वायर बाथरूम. इज इट क्लियर स्टूडेंट? बेटा उसकी साइड गिवन थी मुझे 3 मीटर. इज इट क्लियर स्टूडेंट? तो बेटा यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 मीटर का स्क्वायर हो जाएगा. इज इट क्लियर स्टूडेंट? तो बेटा 3 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 9 मीटर स्क्वायर. इज इट क्लियर स्टूडेंट? अब बेटा हमें पता है 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर. इज इट क्लियर स्टूडेंट? अब बेटा ये मेरा क्या आया था, 9 मीटर का स्क्वायर आया था. तो मींस मुझे यहाँ पर इसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 2 बार बेटा 100 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी क्योंकि बेटा यहाँ पे मीटर का स्क्वायर है. इज इट क्लियर स्टूडेंट? तो बेटा 109 × 100 × 100 हो जाएगा तो बेटा मेरा आंसर क्या आ गया, 90,000 सेंटीमीटर. इज इट क्लियर स्टूडेंट? अब बेटा मुझे यहाँ पे क्या फाइंड आउट करनी है, नंबर ऑफ टाइल्स रिक्वायर्ड या नंबर ऑफ टाइल्स नीडेड. इज इट क्लियर स्टूडेंट? तो बेटा जो मेरा 90,000 आया है उसे क्या करूँगी बेटा, 400 से डिवाइड कर दूँगी. जो मेरा एक टाइल का एरिया है उससे डिवाइड करूँगी. इज इट क्लियर स्टूडेंट? अब बेटा यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए. इज इट क्लियर स्टूडेंट? अब बेटा मैं यहाँ पे क्या करूँगी, 900 को डिवाइड करूँगी 4 से. इज इट क्लियर स्टूडेंट? तो बेटा मैं डिवाइड करना स्टार्ट करूँगी तो बेटा 4 × 2 जो क्या होता है, 8 होता है. अब 9 में से 8 जाएगा तो 1 आएगा, 0 एज इट इज़. 4 × 2 जो क्या होता है, 8 होता है. इज इट क्लियर स्टूडेंट? अब बेटा 0 में से 8 तो नहीं जा सकता, वी टेक कैरी फ्रॉम 1 से कैरी लूँगी तो यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ 10 की फॉर्मेशन हुई. 10 में से बेटा 8 जाएगा तो क्या आएगा, 2 आ जाएगा और 0 ऊपर से नोट डाउन कर दूँगी. इज इट क्लियर स्टूडेंट? तो बेटा 4 × 5 जो क्या होता है हमारा, 20 होता है. इज इट क्लियर स्टूडेंट? तो बेटा मेरा जो आंसर आया वो कितना आया, 225. इज इट क्लियर स्टूडेंट? तो मीन्स बेटा मुझे 225 टाइल्स की नीड है.
है उस बाथरूम को कवर करने के लिए, उसके फ्लोर को कवर करने के लिए। इज इट क्लियर स्टूडेंट?